बकरे के टेस्टिकल से अंडकोश जो आप देख रहे हैं, इसमें से हमने 86 ml, तकरीबन कह सकते हैं 100 ml मवाद इसके अंदर से निकाला, 100 ग्राम मवाद। ये देखिए कितना सारा निकल रहा है, क्या केस है, क्या हिस्ट्री है इसकी, कितना पुराना केस है, सब इस वीडियो में जानकारी देंगे। पूरा हमने इसका ड्रेसिंग किया है, धुलाई करी है अंदर से बिना चीरा लगाए। चीरे की भी कंडीशन थी, लेकिन हमने चीरे की कोई भी इसमें ऐसी प्रक्रिया नहीं की। क्या समस्या थी पूरी वीडियो में देखेंगे, जानेंगे। बने रहें मेरे साथ, अपना चैनल साबरी गोट फॉर्म इसको सब्सक्राइब कर लें, आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। ये केस है दिल्ली का, और इसमें बकरे के टेस्टिकल में किसी तरह इन्फेक्शन हुआ या चोट लगी, जिसकी वजह से इसमें पस पड़ गया। और मुझे बताया गया था, ये वीडियो भेजी जैसे जो साइड में चल रही है, तो मुझे बताया गया इसमें स्वेलिंग है। मैंने ट्रीटमेंट बता दिया, इन्होंने मुझसे कहा आके आप देख लीजिए और जो इलाज हो वो कर दीजिए। जब मैंने देखा तो इसका कंडीशन कुछ और थी, इसके टेस्टिकल के अंदर मवाद था। ये देखिए जो मैं दबा रहा हूँ, फील कर रहा हूँ कि इसके अंदर मवाद है और इन्फ्लामेशन काफ़ी ज़्यादा है, और फिर उस वजह से टेस्टिकल काफ़ी ज़्यादा साइज जो है इंक्रीज कर चुका है, डिसबैलेंस साइज है। और फिर मैंने चेक करा तो कलर चेंज हो रहा है, देखिए पीला काला सा हो रहा है, मतलब मैं समझ गया हूँ। मैंने इनको बोल दिया इसके अंदर मवाद है, तो मैंने इन्हें पूरे प्रक्रिया समझा दी थी, तो इन्होंने कहा चलिए इलाज शुरू करिए आप। फिर मैंने इलाज के लिए पहला जो इंजेक्शन लिया, एंटीबायोटिक लिया, और भी काफ़ी जो आगे मैं आपको बताऊंगा। ये जो बकरे वाले हैं, इनका काफ़ी समय से इलाज चल रहा था जानवर का, कोई आसानी से ये ठीक नहीं कर पा रहा था। 4 महीने के तकरीबन बता रहे थे ये समस्या हो गई, स्वेलिंग कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। डॉक्टरों ने एंड में कह दिया था कि आप इसको इंजेक्शन ना लगवाएं, अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने कुछ अडर एडिमा के और थनेला रोग में काम आने वाले, थन की सूजन में काम आने वाले पाउडर बकरे को खिलाए जा रहे थे डॉक्टर के द्वारा, और पैरासीटामोल साल्ट की टेबलेट जैसे सेराकाइंड में मिला होता है उसका एक साल्ट, वो मिक्स की टेबलेट खिलाई जा रही थी। कुछ भी रिजल्ट नहीं था। जब मैंने चेक करा तो समझ गया मैं इसके अंदर पस है और इसका क्या इलाज है, फिर वो मैंने इसका करा। तो इसके इलाज देखिए कि मैंने काफ़ी सारी दवाइयाँ रख रखी हैं जो कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। ये बेलामाइल है, भूख ना लगना बंद हो जाए एंटीबायोटिक लगने से, और ये एविल है, कोई भी इंजेक्शन का रिएक्शन ना हो, ठीक है ना। और ये मैग्लोडाइन है, ख़तरनाक स्वेलिंग को कम कर देगी, और ये प्रेडमिसोलोन लोकल और इंटरमस्कुलर दोनों लगाएंगे। सेफ्ट्री फॉर सोडियम, ये एंटीबायोटिक हमारा रहेगा, ठीक है। अगले दिन जब हमने दिखाया इनको तो कहने लगे हाँ आज काफ़ी ज़्यादा आराम है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है जो 4 महीने में नहीं हुआ। मैंने क्या, अभी 4 महीने का क्या, अभी 2 दिन में फ़र्क इसका ज़ीरो हो जाएगा साइज़ इसका, टेंशन ना लो। तो हमने इनको फील करा और करवाया कि देखिए इसके अंदर पस है और ऊपर नहीं है, पस जितनी भी है वो सारी डाउन साइड है, नीचे की साइड है। तो इन्होंने काफ़ी तसल्ली से देखा, मैंने बताया कि देखिए पस जो है वो नीचे ही रहेगी, जाहिर सी बात है, और पस को निकालने का तरीका भी बता दिया इनको। और मैंने कहा दूसरे, ये कह रहे तो दूसरी साइड में स्वेलिंग है, मैंने दूसरे में नहीं, वो नेचुरल है, क्योंकि प्रॉब्लम एक में, क्योंकि चोट जो लगती है उसके बाद में पस बनने के खतरा जो होता है वो चोट लगने से होता है। और ये साइज देखिए काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, तो इनको थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ इसके चोट लगी होगी किसी टाइम पर, खाने का फीडर लगा होगा, और इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। और ये पस का मैंने इन्हें बता दिया कंडीशन के, कलर चेंज हो रहा है अंदर, डेफिनेटली पस है। तो फिर इस वक्त मेरे पे निडल नहीं थी, तो मैंने इसको निडल जो है 22 नंबर की निडल से मैंने इसको चेक करा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ था पस का बाहर आना। पानी होता तो बहुत जल्दी आ जाता, और ऐसी कंडीशन में पस थी अंदर तो बिल्कुल भी मतलब आसानी से नहीं आ रही थी। पस जो होती है गाढ़ी फॉर्म में होती है, थिकी फॉर्म होती है। तो जैसे ही अभी तक यहाँ पे लोगों को लग रहा था जो साथ में थे हमारे पशुपालक और भी हमारे सहयोगी, तो यही फील हो रहा था कि इसके अंदर स्वेलिंग है, लेकिन जब पस कंफर्म हो गई इस इंजेक्शन से तो मैंने दिखाया कि अब इसका इलाज इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, जो 4 महीने तक चलता रहा इसके साथ जो भी हुआ। बकरा बहुत महंगा था और बहुत ज़्यादा बकरे का कॉस्टली था, महंगा था, कीमती, दोनों ही बातें थी। तो बकरे का वज़न भी कम हो गया और फिर आराम भी नहीं पड़ रहा था, तो यहाँ से हमारे जानवर को आराम पड़ना शुरू हो गया था। लेकिन अभी भी चेक करवाना हो डॉक्टर अपने हिसाब से कर देगा। हमें 16 या 18 नंबर की निडल चेक करनी है, अगर अफारे में काम करना हो तो भी वो 18 या 16 नंबर की हम निडल ले सकते हैं। और अगर किसी में इस तरह का कंडीशन हो जिस तरह से हमें
टेस्टिकल साइड में या किसी जगह में पस हो तो निकालने के लिए हमें 18 या 16 नंबर की निडिल लेनी चाहिए। तो इसमें से जब पस निकल कर आई तो मैंने कह दिया था आपका केस ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेन रीज़न जो होता है दवाइयाँ काम ना करने का वो ये होता है कि या तो उसमें पानी होगा या उसके अंदर मवाद होगा, तो आराम नहीं पड़ता है। तो अब मैंने इन्हें बता दिया था अब इस बकरे को रिलीव मिल जाएगा बहुत जल्दी, इंशाल्लाह आराम पड़ जाएगा। मैंने जैसे ही देखा काफ़ी देर के बाद में, तो मैंने सोचा अब इसके अंदर निडिल काफ़ी देर लगेगी, निडिल मड़ी मंगवाई जाए। तो इसके अंदर 6 ml हमने पस दिखाई और दबा दिया मैंने ताकि ब्लीडिंग शुरू ना हो जाए, ऐसा होना नहीं था, लेकिन स्किन कट हुई थी तो आ सकता था। मैंने इन्हें दिखाया वीडियो में, मैंने भी सोचा मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, तो मैंने पहले ज़मीन पर पस निकाली और कितनी गाढ़ी और कितनी पीली पस निकली है। जब प्रोसेस हो गया तो हमने अब निडिल हमारे पास थी नहीं, हमने मेडिकल से निडिल मंगवाई और फिर इसको सैनिटाइज़ किया डिटॉल से, अपने हाथों को सैनिटाइज़ किया और बकरे के टेस्टिकल को सैनिटाइज़ अच्छी तरह से हमने करा। वीडियो पूरी देखें, इंटरेस्टिंग वीडियो है, कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो बकरे के, तो आप भी इस बात का ख्याल रखें। देखिए पहली चीज़ सैनिटाइज़ कर दिया, आगे की मैं कुछ बातें बता दूँ जब तक सैनिटाइज़ चल रहा है। तो देखिए बकरे को कभी भी चोट लगने के बाद स्वेलिंग में आप उसको अनाज ना खिलाएं। ये देखिए मवाद कितनी स्पीड से भर के आया, ये देखा ना आपने, बस आप इंजेक्शन गिनते जाएं। 12 ml का एक इंजेक्शन है और ये आ गया अपना 24 ml। अब इसके अंदर हल्का सा ब्लड आया है, क्योंकि ये ब्लड जो आया है ये ना समझें कि ब्लड अंदर से मतलब किसी, ये ऑलरेडी ब्लड अंदर स्टोर है तो पस के अंदर आ रहा है। ये देखिए तीसरा इंजेक्शन 36 ml। ये देखिए बकरे को कुछ फील नहीं हो रहा, 16 नंबर की निडिल है। बकरे को इस कंडीशन में हमें नहीं खिलाना। ये देखिए चौथा इंजेक्शन, इसमें हमें कभी भी अनाज नहीं खिलाना। बकरे को ख़ास ख्याल रखना है, स्वेलिंग सूजन करने वाली चीज़ें नहीं खिलानी है और जल्द से जल्द इलाज करवाना है। ये देखिए 5वां इंजेक्शन 6ठा इंजेक्शन, इस तरह से मैंने इसके काफ़ी इंजेक्शन निकाले जो कि मैंने 86 ml, ये देखिए धड़ाधड़ मैं निकालता चला गया इसके अंदर। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मवाद निकला और बकरे को जब आराम रिलीव हैंड टू हैंड पड़ गया। ये देखिए कितना गड्ढा पड़ गया मेरा अंगूठा देखिए उल्टे हाथ का, और गड्ढा काफ़ी ज़्यादा पड़ गया है और अब यहाँ नहीं निकल रहा है। तो टोटल मैंने काउंट करवाया और करा भी तो 86 ml निकला, जो कि बहुत ज़्यादा होता है एक टेस्टिकल के अंदर। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप एक काम करें, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की सलाह ज़रूर करें और बिल्कुल अच्छे से इसका इलाज करवाएं। और ये कंडीशन दो चीज़ पे होती है, अगर कोई डिज़ीज़ की चलते जैसे वायरल डिज़ीज़ हो या किसी वजह से ऐसे स्वेलिंग आती है तो उसमें मवाद नहीं पड़ता है, जब तक चोट नहीं लगेगी वहाँ पे मवाद आसानी से नहीं पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में इस बकरे के साथ जो हुआ था वो चोट लगी थी, तो इसके पशुपालक को नहीं पता चला हो। देखिए मैंने नेट्रोनिडाजोल ले लिया है 100 ml और इसको वॉश आउट करने के लिए मैंने सोचा कि क्योंकि अंदर से सफाई हो जाएगी तो वो बेहतर रहेगा, तो मैंने अंडर निडिल डली रहने दी और दूसरी निडिल से मेट्रोनिडाजोल मैंने ले लिया और इसको मैंने सारा मेट्रोनिडाजोल तकरीबन 80 ml या 70 ml मैंने अंदर डाल दिया। और डालने के बाद में फिर इसको मैंने दबाया और देखे कैसे छितड़े से निकल रहे हैं मवाद के। मैंने फिर दोबारा लिया, फिर भरा और फिर डाला। तो इस तरह से अंदर का 3-4 इंजेक्शन डाल के मैंने मतलब 30-30 ml भी 10-15 ml मैंने ऐसे करा, तो अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब छिछड़े निकल रहे थे मवाद के, ये निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। इलाज आपने देख लिया क्या करा, सावधानी मैंने देख बता दी क्या करी, और वीडियो मेरा स्टोरेज फुल हो गया था और फिर मेरे को वीडियो यहाँ पे बंद करनी पड़ी। ये इलाज का तीसरा दिन है आज के दिन, इसमें से हमने दोबारा निडिल पिक करी और इसमें से गंदा पानी निकला था, मवाद एक बूंद नहीं निकली थी और इसको मैंने पानी को निकाल दिया था। और इसके चौथे दिन जब मैं दोबारा गया हूँ इलाज करने, कुछ भी नहीं करा मैंने इलाज में, टेस्टिकल को नहीं छेड़े, सिर्फ मैंने इसको एंटीबायोटिक दिया, एविल दिया, CPM दिया और मैग्लोडाइन दिया बस। और बकरा अल्हम्दुलिल्लाह ओके है, पशुपालक का इंटरव्यू इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जल्द से जल्द पाई। देखिए मेट्रोनिडाजोल में सफाई के लिए सोच रहा था अगले दिन पस दोबारा होगी, लेकिन किसी काम में नहीं आई। सेराकाइंड भी मैंने इसको खिलाई थी, देखिए रखी हुई देखी होगी अपने, तो बकरा बिल्कुल परफेक्ट था लेकिन उदास था। कोर्टिकोस्टेरॉइड इसके अंदर जा रहे थे, इस चक्कर में मैंने कोर्टिकोस्टेरॉइड के लिए इसके टेस्टिकल में भी दवाई अंदर छोड़ी थी और 0.5 ml इंट्रामस्कुलर भी लगाई, जिसकी वजह से इसका पस बिल्कुल जादू की तरह गायब हो गया। मैं जल्द ही इनके पास जाऊंगा और इनका इंटरव्यू लूंगा कि आपका बकरे का कैसा ट्रीटमेंट रहा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्लिक करें बेल आइकन। और भी जल्द ही मैं इनका इंटरव्यू लेकर के आऊँगा कैसा रहा, तो आप मेरे इस इलाज को बताइए कैसा लगा आपको इलाज।
और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस बकरी को थनेला हुआ था और इसका अभी जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। इसे पोटेशियम लेवल इसका कम हो गया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, वो पोस्ट नहीं हुई, जल्दी पोस्ट करेंगे कैसे क्या करना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए। ताज़ा बियाई बकरी के साथ गड़बड़ क्या हुई है, इसे थनेला हुआ था और ये बैठ चुकी है। खैर अब बकरा बिल्कुल परफेक्ट है। हाल ही में मेरी पोस्ट होगी वीडियो, ये मैं दोबारा एडिट कर रहा हूँ क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम की मुझे कंप्लेंट आई थी, तो मैंने सोचा दोबारा री एडिट करके मैं इस वीडियो को दोबारा से अपलोड करूँगा क्योंकि वॉइस मैन रखती है वीडियो के अंदर, देखना ही सब कुछ नहीं होता, वॉइस भी मैटर करती है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें साबिर गॉड फ्रॉम, थैंक यू वेरी मच।